हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली एक प्रकार से प्रेशर वेल्डिंग है। यहाँ पे हम जो मेटल्स के बीच में जो वेल्ड करते हैं, जहाँ पे जो हमारी वेल्डिंग्स प्रोसेस होती हैं, वो हम प्रेशर अप्लाई करके करते हैं, जो इन दोनों के बीच में फ्यूजन क्रिएट होती है हाई टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किसी भी तरीके का कोई आर्क का जनरेशन नहीं होता है, जैसा कि हम टंगस्टन इनर्ट गैस में और मेटल इनर्ट गैस और साथ ही साथ हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो हमने पढ़ा, वहां पे हमारा वो नॉन प्रेशर वेल्डिंग था, इसलिए हम वहां पे आर्क फॉर्मेशन कर रहे थे। वहां जो फ्यूजन हो रही थी वो आर्क के कारण हो रही थी, और वहां पे हमारा वेल्डिंग इस तरीके से हो रहा था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं सेपरेटली दे दूंगा कि सबमर्ज वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग कैसा हुआ था और हमारे टंगस्टन इनर्ट गैस कैसे हुए थे, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें मैंने सेपरेटली वीडियोस की बना दी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक का तो यूज करते ही, यानी कि जो एसी सप्लाई डीसी सप्लाई वहां पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और यूज करते हैं कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, जो हमारे पास मेटल्स जिन दोनों को आपस में जोड़ना होता है, वहां पे उन दोनों के बीच में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम यहाँ पे वेल्डिंग क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे इसके टाइप्स भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके करते हैं, लेकिन इसके पांच ब्रॉडली टाइप्स हैं, उस पांचों टाइप्स का आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेल्ड करना, दैट इज अवर स्पॉट वेल्डिंग। दो मेटल पीस होंगे आपस में, यानी कि ये वेल्डिंग प्रोसेस केवल और केवल लैप जॉइंट के लिए यूजफुल है, ये बट जॉइंट के लिए यूजफुल नहीं है। तो स्पॉट वेल्डिंग में हमने लैप जॉइंट आपस में रखा और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्यूजन क्रिएट होंगे, और फ्यूजन क्रिएट होने के कारण हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फ्यूजन कैसे क्रिएट होती है, हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड का, वो इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हम लैप ज्वाइंट है, ये मेरी वेल्ड प्लेट्स है, आप देख सकते हैं ये दो मेरी प्लेट है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का यूज करें हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होती है ये मेरी फिक्स्ड होती है, और ये हमारी इलेक्ट्रोड अप डाउन हो सकती है, इसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड से एक टर्मिनल कनेक्टेड है और दूसरे इलेक्ट्रोड से हमारा एक टर्मिनल कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर से हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट या एसी सप्लाई लिया, और यहाँ पे हमने इसको पहले प्लेट को हमने फिक्स कर दिया। मैंने आपको भी बताया कि ये हमारी एडजस्ट हो सकती है, तो इसको हमने एडजस्ट किया और प्लेट को डाला। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पे सप्लाई ऑन करेंगे, होगा क्या कि जब इन दोनों आपस में दूर रहेंगे तो यहाँ का जो फ्लो ऑफ करंट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे ही इन दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, यानी कि ये इस पोर्शन पे आएगा और ये इस पोर्शन पे आएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही तेजी से पास होगी। तो होगा ये कि इन दोनों के प्लेट के बीच में जो गैप है, इस पॉइंट है, यहाँ पे वो वेल्ड क्रिएट करेगा, फ्यूजन होगी हाई टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस पास होने के कारण हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, और हाई टेम्परेचर के कारण वहां फ्यूजन होगी, और फ्यूजन के कारण इन दोनों के बीच में वेल्ड आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि दोनों इलेक्ट्रोड जो आपस में जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसको हम बहुत ही कम सेकंड के लिए यूज करते हैं, लगभग 1 सेकंड भी हमारे वेल्ड हो जाता है, 1 से 2 सेकंड हो जाता है। अगर हम इसको ज्यादा देर रखेंगे तो होगा कि ये उसको फ्यूजन होगा और वहां पे वेल्ड करके वो आपस में आर पार हो जाएंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टिप चिपक जाएंगे, और ये जो लैप ज्वाइंट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा, बल्कि वो होल वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे वेल्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे नैनो सेकंड के लिए रखते हैं जो कि हमारा ये वेल्ड करता है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, स्पॉट वेल्डिंग हम यहाँ पे हमारा ये स्पॉट की तरह यहाँ पे वेल्ड करता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि अगर हमको मान लीजिए लैप ज्वाइंट की यहां से लेकर यहां तक की वेल्डिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे, उसके रिप्लेसमेंट पे हमने लेके आया सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग बेसिकली हमारा यही होता है कि हमने यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड था वो एक टिप टिप पे मिलते थे, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वेल्डिंग होती थी वो स्पॉट वेल्डिंग कहलाती थी। लेकिन सीम वेल्डिंग में इसको हमने एलिमिनेट किया और हमने रोलर का यूज किया। यहाँ पे बात यह आई कि ये रोलर इलेक्ट्रोड का एक टर्मिनल कनेक्ट है, हमारे ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन है एसी सप्लाई के द्वारा, तो एक टर्मिनल हमारा इधर कनेक्ट है और नीचे वाले इलेक्ट्रोड का टर्मिनल इधर कनेक्ट है। जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूं तो ये रोलर मेरा मूव करेगा। जैसे ये दोनों रोलर आपस में मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लैप जॉइंट आप देख रहे हैं, ये लैप जॉइंट उसके उन दोनों के बीच में जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो यहाँ पे इन बीचों बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस होने से होगा ये कि यहाँ पे ये मेरा वेल्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा इन दोनों प्लेट के बीच में। थर्ड आते हैं हम बट वेल्डिंग में।
अब यहां पे बात थी कि लैप जॉइंट हो रही थी हमारी, यहां पे लैप वेल्डिंग कर रहे थे, लेकिन अगर हमको आपस में दो प्लेट को इस तरीके से जोड़ना है, बट जॉइंट करनी है, तो बट जॉइंट हम कैसे करेंगे? तो बट जॉइंट के लिए यहां पे एक और आया, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग है बेसिकली, यहां पे फिर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर यहां पे भी अप्लाई हो रहा था। प्रेशर अप्लाई जब होते हैं तो वहां से रेजिस्टेंस यानी कि वहां जो करंट फ्लो होगा तो उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण यहां पे हमारा वेल्ड हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, ये मेरा प्लेट नंबर वन और ये मेरा प्लेट नंबर टू, ये दो प्लेट्स हैं, दो मेटल्स हैं मेरे पास। बट जॉइंट मुझे यहां पे करनी है, ये वाली प्लेट मेरी क्लैंप के द्वारा, यानी कि ये जो मेरी क्लैंप लगी हुई है, एक क्लैंप इधर से एक क्लैंप इधर से, जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये मेरी फिक्स होती है, और ये वाली जो क्लैंप होती है ये मेरी मूवेबल होती है, ये मेरी एडजस्ट हो सकती है। यहां आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से मेरा एसी करंट आ रहा है, एसी सप्लाई आ रही है। एसी सप्लाई जैसे ही यहां पे हम ऑन करेंगे तो हो गई है कि ये बट वेल्डिंग, हम यहां से प्रेशर देंगे तो प्रेशर जब ये देगा तो यहां पे बीच में करंट का फ्लो होगा, और इस करंट के फ्लो होने के कारण यहां पे फ्यूजन होगी, और फ्यूजन के होने की वजह से हमारे ये यहां पे वेल्ड हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग का। तो अब देखते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। जो बट वेल्डिंग हमने अभी देखा, तो बट वेल्डिंग की तरह हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैश का जनरेशन करते हैं। कैसे? यहाँ पे भी सेम हमारा ये फिक्स होता है, यानी कि हमारा फिक्स्ड पार्ट है और ये मेरा एडजस्टेबल पार्ट है या फिर मूवेबल पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया, लेकिन बट जॉइंट में ये हुआ था कि मैंने वहां पे जब आपस में जोड़ा, उनको प्रेशर लगाया, तो हुआ ये कि वहां पे प्रेशर लगाने के बाद पावर सप्लाई ऑन करी, जिसके इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के कारण वहां पे मेरी मेटल वेल्ड हुई। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो इसी तरीके से हुई, लेकिन यहाँ पे जो पावर सप्लाई ऑन करते हैं वो हम बाद में करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम इसको प्रेशर देते हैं, हम इस वाले मूवेबल पार्ट को इस वाले अपने प्लेट से यानी कि वेल्ड मेटल्स, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं हम इस अपने फिक्स वाले पार्ट पे, और जब प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो होता यह है कि यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट होता है, यानी कि एक फ्लैश की तरह क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं इस फ्लैश के कारण होता ही है कि हमारा जो मेटल रहते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे मेरा वेल्डिंग क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से फ्लैश बट वेल्डिंग होती है कि यहाँ पे दो मेटल्स को जोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्लैश जनरेट होती है जब मैं पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि फ्लैश बट वेल्डिंग में हम पावर सप्लाई को बाद में ऑन करते हैं, पहले इन दोनों के बीच में हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, और वहां से होता ही है कि जैसे हम यहाँ पे वो पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक आर्क क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, और फ्लैश के कारण यहाँ पे हमारा मेटल डिफ्यूज होता है, और जिससे होता ही है वहां पे वेल्डिंग हो जाती है। फिफ्थ आते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हुआ यह कि जो हमने स्पॉट वेल्डिंग किया था वे इसी की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो इंप्रेशन है वो एक नहीं बल्कि तीन या उससे ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी वेल्ड प्लेट है, तो यहाँ पे वेल्ड प्लेट जो मेरी आफ्टर वेल्डिंग यानी कि जो वेल्डिंग होने के बाद जो आएगी वो मेरी तीन जगह पे ये यहाँ पे स्पॉट किया, यानी कि तीन जगह पे यहाँ पे वेल्डिंग होती है। बाकी सारी चीजें इसकी सेम है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में ये मेरी फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होती है नीचे वाली, और एक ऊपर लगी हुई मेरी मूवेबल इलेक्ट्रोड। ये मूवेबल इलेक्ट्रोड मेरी लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, और यहाँ से एसी सप्लाई जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा, और होगा ये कि इस प्लेट के इस वाले हिस्से पे ये यहाँ पे फ्यूजन होगी, और फ्यूजन के कारण होगा ये कि मेरी यहाँ पे प्लेट वेल्ड हो जाएगी। लास्ट है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग बेसिकली हमारा टोटली डिपेंडेंट है हमारे प्रेशर वेल्डिंग के ऊपर। कैसे? नाम समझ में आ रहा होगा, फ्रिक्शन। यहाँ पे हम फ्रिक्शन पहले जनरेट करते हैं, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करके वहां पे हम उसको वेल्ड करते हैं। दो मेटल्स है मेरे पास, ये है मेरा मेटल नंबर वन जो कि फिक्स है, और ये है मेरा मेटल नंबर टू जो कि रोटेटिंग है यानी कि मूवेबल है। पहला प्लेट जो मेरा वो फिक्स है और दूसरी प्लेट मेरी रोटेट हो रही है। यहाँ पे ये वाला फिक्स है और ये वाली रोटेट हो रही है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने से होता ही है कि इन दोनों के बीच में आपस में घर्षण क्रिएट होती है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होती है, और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण जब हम इसको प्रेशर लगाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में हीट जनरेट हो चुकी है, और जैसे ही मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगा तो होगा कि ये दोनों मेटल आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने से होगा कि इसकी मेटल की डिफॉर्मेशन होगी, और इससे होगा कि हमारा वेल्ड कंप्लीटली हो जाएगा। तो यहां पे फ्रिक्शन वेल्डिंग भी एक हमारा नया तरकीब था कि जिसमें हम पहले फ्रिक्शन क्रिएट करके जनरेट करते हैं हीट, और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से होगा ये कि यहां पे वेल्ड हमारा
हो जाता है। तो ये पूरे हमारे टाइप्स थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसके छह टाइप्स थे हमने देखा आज, और छह टाइप्स के वहां पे कैसे डायग्राम बनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे इसकी वर्किंग है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।